नेहरू लियाकत पैक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, मगर राहुल जी का ये सारे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट से लेना देना ही नहीं है। वो चीट पढ़कर बोलने वाले नेता है, चीट में इतनी सारी बातें आती नहीं है। केजरीवाल जी, ममता जी, राहुल जी, सबका कहना यह है कि जब देश में खुद ही नौकरी और खाने पीने की इतनी समस्याएं हैं, तो जब इतने घुसपैठिए और आ जाएंगे तो इनको हम लोग नौकरियां कहां से? घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए और शरणार्थी में फर्क होता है। और मैं केजरीवाल जी, राहुल जी, ममता जी सबको कहता हूं, अगर देश के युवाओं की नौकरी की चिंता है तो आप बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यास के लिए क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों जुबान सिल जाती है? इसलिए सुल जाती है कि आप अपनी वोट बैंक को हट कर, शरणार्थी जो होता है वो प्रताड़ित होकर यहां आता है। अभी मैं आपको बताता हूं, अफगानिस्तान में निजाम बदला, सारे लोग इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे, सैकड़ों हजारों सिख भाई पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को लेकर यहां है, क्या करें उनका? वो घुसपैठिए है क्या? हर सिख भाई बहन का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है, हर हिंदू भाई बहन का इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका है। इसको घुसपैठिए करार देना ठीक नहीं है। और जहां तक नौकरियों का सवाल है, वो पहले से यहां रह रहे, आज रह ही रहे हैं जी, कहां लोट डालने का सवाल है? और केजरीवाल कहते हैं क्या खाएंगे? केजरीवाल जी, आपको अगर प्रॉब्लम है तो 5 किलो अनाज की अर्जी कर दो, आपको भी दे देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी हरेक को 5 किलो अनाज दे रहे, ये सारे लोग यहीं रह रहे हैं, कहां नहीं कोई व्यवस्था करनी। इनको अधिकृत नागरिक बनाना है, उनको सम्मान देना है, उनको अपना मानना है, इसको इस भूमि का हिस्सा बनाना है जो उनका अधिकार है, और इस तरह से देश को बांटने की बातें नहीं करनी चाहिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एम्बेसडर ने भी सीए पर टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं मानता हूं कि उनको पूरी तथ्य की जानकारी नहीं होगी, भारत सरकार का विदेश विभाग क्लैरिफिकेशन दे चुका है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। परंतु मैं इतना फर्मली कहना चाहता हूं, नागरिकता किसको देनी, ये मेरे देश का अधिकार है और ये अधिकार में कोई दखल नहीं। चुनाव पास आ रहा है, अभी कुछ खबर आ रही है कि चाइनीज मिलिट्री ने कुछ दिनों पहले कहा कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनका एक अभिन्न अंग है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जवाहरलाल नेहरू के समय से कह रहे हैं जी, और बहुत बड़ा हिस्सा वो उस वक्त हड़प भी कर गए, मेरा तो जन्म नहीं हुआ था 1962 में जी, परंतु ये मोदी सरकार है, एक इंच भी जमीन देश की किसी भी सरहद पर कोई नहीं ले सकता, ये हमारा भारत की जनता को वादा। अमित जी, एक सीएए से रिलेटेड सवाल है, और आपने भी पहले इसकी बात की हुई है कि ये क्रोनोलॉजी की बात हुई थी कि सीएए के बाद एनआरसी आएगा, एनआरसी की बात आजकल कम हो रही है, क्या इसको ये माना जाए कि इस मैनिफेस्टो में ये रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा है जी, राहुल जी, ये भ्रांति फैलाई जा रही है, एनआरसी कांग्रेस के वक्त आया हुआ कंसेप्ट है, एनआरपी चिदंबरम साहब जब गृहमंत्री थे, गवर्नमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, हमने इसको आगे, मगर सीएए का जो कानून है इसके अंदर कहीं एनआरसी का प्रोविजन नहीं है, कहीं एनआरसी के जींस भी नहीं है। कृपया देश की माइनॉरिटी को डराना बंद करिए, स्पष्टता से बताइए कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जा सकती, और ये वास्तविकता है। नहीं, पर एनआरसी क्या बीजेपी के मैनिफेस्टो में होगा, अगले टर्म में इसको देखेंगे? अब मैं तो मैनिफेस्टो कमिटी में, अभी ड्राफ्ट कोई आया नहीं है, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने आएगा तब देखेंगे, परंतु मैं इस मंच से इसकी घोषणा भी नहीं कर सकता, परंतु मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अभी देश के सामने सीए का कानून है जिसमें एनआरसी के कोई वायरस नहीं है। क्या कहते हैं, इस पिछले आपका जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें आप लोगों ने बहुत बड़े काम किए, 370 अभी सीए की हम लोग बात कर रहे थे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात हुई है, और इसको आपने जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट के उसके माध्यम से शुरुआत भी की है, तो क्या अगले 5 साल में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का? आपके मैनिफेस्टो, आपने कहा कि अभी आप नहीं बता सकते, मगर आप राहुल जी, यूसीसी लोकभोग्य भाषा में कॉमन सिविल कोड, ये आज से हमारा मुद्दा नहीं है जी, 1950 से हमारा मुद्दा है, इसके लिए मेरी पार्टी ने आंदोलन किया है, जनसंघ था तब से करा है,
और हम इससे हट नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि पंथ निरपेक्ष देश में सभी के लिए एक कानून होना चाहिए, इसमें किसी से कोई मतभेद, और हम इस बात को जनता के सामने मुखरता के साथ रखेंगे। उत्तराखंड सरकार यूसीसी लेकर आई है और इस यूसीसी पर इसकी अब सोशल, लीगल, जुडिशियल सभी प्रकार की स्क्रूटिनी होगी और उसके बाद में कोई एक कॉमन मत भी बनेगा देश का। परंतु यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का देश की जनता को वादा है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, इस सभी ने एक कानून से जीना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं करनी चाहिए। लग्न की पद्धति क्या हो, अपने अपने धर्म के हिसाब से हो, परंतु कानून एक होना चाहिए। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने तय की हुई बात है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है। हमने यूसीसी को हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट किया था, जिसको अंबेडकर जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल जी, राजेंद्र बाबू सब ने स्वीकारा था। ये सारे कांग्रेस के नेता थे जी, और सब ने स्वीकारा था कि उचित समय पर देश के विधानमंडल और देश की संसद इस देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। एक आदर्श हमारे सामने रखा था जो पूरी करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इसको आगे बढ़ाया। डीएमके ने आज जो है अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सरकार, उनकी सरकार आती है इंडिया अलायंस की, तो इन सबको रिपील करेगी, सीएए को रिपील करेगी। किसने कहा है? डीएमके। डीएमके कहां पावर में आनी है भाई जी, डीएमके का सवाल ही नहीं है वो तो। इसीलिए ऐसा ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है कि क्या मुसलमानों को शरिया और हदीस के हिसाब से रहने का हक नहीं है? देखिए, ये भी एक प्रकार की भ्रांति है। शरिया और हदीस के हिसाब से 1937 से नहीं रह रहा है देश का मुसलमान। 1937 अंग्रेजों ने जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया तो उसमें क्रिमिनल एलिमेंट क्यों निकाल दिया भाई? फिर तो चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को रोड पर पत्थर मारकर मार दो, कोई मुसलमान सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल सकता, सूद नहीं ले सकता, लोन नहीं ले सकता। शरिया और हदीस से अगर जीना है तो पूरा जीना चाहिए। सिर्फ चार शादी करने के लिए शरिया और हदीस क्यों आता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस देश का मुसलमान शरिया और हदीस की सारी चीजों से अंग्रेजों के समय से कटा हुआ है जी। और देश ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज भी ये छोड़ चुके हैं। ये कांग्रेस की एपीसमेंट की पॉलिसी है, वोट बैंक की पॉलिसी है, इस देश के माइनॉरिटीज से बाहर आए। और ये सालों से नहीं है, आज से नहीं है, ऐसा नहीं है, सालों से नहीं है। आज भी सिविल सूट होता है तो देश के संविधान के हिसाब से मुस्लिम भाइयों का सिविल सूट होता है, शरिया और हदीस के हिसाब से नहीं होता, काजी के पास कोई नहीं जाता है। तो क्या वो सब राहुल जी लागू करना चाहते हैं? चोरी करने वाले के हाथ काट दो, बलात्कार करने वालों को पत्थर मारकर मार दो, देश का जो द्रोह करेगा उसको फांसी पर, चौराहे पर लटकाओ, ये सारा लाना है क्या?